हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने कच्चे आम की बहुत सी रेसिपीज खाई होंगी। आज मैं आपको कच्चे आम की ऐसी मिठाई बनाना बताऊंगी जो कि आपके घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। साथ ही साथ इसका खट्टा मीठा टेस्ट आपके घर में इतना पसंद आएगा कि आप हर गर्मियों में इसे बनाना पसंद करेंगे और ये बनाने में भी बहुत आसान है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कच्चा आम डिलाइट बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो कच्चे वाले आम लिए हैं। इन्हें मैंने धोकर साफ कर लिया था। अब इनके ऊपर का छिक्कल निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने अपना आम छील लिया है। इसी तरीके से हम सारे आम छील लेंगे। और ये देखिए, मैंने अपने सारे आम छील लिए हैं। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप इन्हें कैसे भी टुकड़ों में काट सकते हैं, हमें फाइनली इसे पीसना ही है। ये देखिए, मैंने अपने सारे आम के टुकड़े कर लिए हैं। अब इन टुकड़ों को हम मिक्सी के जार में ले लेंगे। जितने टुकड़े एक बार में पीस जाएं उतने टुकड़े ही मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब इसमें मैंने ये थोड़ा सा पुदीना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। एक चम्मच भुना हुआ जीरा और आधा गिलास पानी डालकर हम इसे बिल्कुल महीन पीस लेंगे। देखिए, मैंने आम को अब महीन पीस लिया है। इसमें थोड़े थोड़े आम के पीसेस बचे हुए हैं, उसे स्ट्रेनर से छानकर हम निकाल देंगे। हमें एकदम स्मूथ आम का पल्प चाहिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। देखिए, ये आम की गुठलियाँ बच गई हैं। अब इसे दोबारा हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ ही साथ अपने जो बचे हुए आम के पीसेस हैं वो भी इसमें डाल देंगे। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से बिल्कुल पीए महीन पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने अपने आम को अच्छे से पीस कर स्ट्रेन कर लिया और हमें एकदम स्मूथ आम का पल्प मिल गया है। अब एक बाउल में मैंने 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल पतला घोल बना लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। और ये देखिए, मेरा कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल अच्छा सा घोल बन गया है। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम अपना आम का पल्प डाल देंगे। साथ ही साथ इसमें मैं 1 कटोरी चीनी डालूंगी। फ्रेंड्स, आपको जितनी चीनी यूज़ करनी है आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस डिलाइट में थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए, इसलिए मैंने चीनी का कम यूज़ किया है। आप चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून काला नमक लिया है, उसे भी इसमें मिला देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद नमक और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से खौला लेंगे। ये देखिए, मेरे आम के पल्प में अच्छा सा खौला आने लगा है। अब अपना कॉर्नफ्लोर बनाया हुआ घोल इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि कॉर्नफ्लोर डालते समय पहले कॉर्नफ्लोर को अच्छे से चला लीजिएगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। और इसे लगातार चलाते हुए हमें धीरे धीरे कॉर्नफ्लोर डालना है। देखिए, कॉर्नफ्लोर डालते ही हमारा आम का पल्प बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है।
अब इसमें मैंने ये एक पिंच हरा कलर डाल दिया है, जिससे हमारा आम की डिलाइट बिल्कुल नेचुरली लगेगी। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। बस ये केवल एक कलर के लिए डाला गया है। ये देखिए मेरे आम के पल्प का कलर कितना अच्छा आ गया है, बिल्कुल एकदम नेचुरली कलर की तरह लग रहा है। अब इसको अच्छे से खोला लेंगे और बिल्कुल गाढ़ा घोल बना लेंगे। ये देखिए थोड़ी देर में मेरे आम का पल्प बिल्कुल अच्छे से खोल गया है और एकदम गाढ़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। को एक कांच के गिलासेस में बनाएंगे। अगर आपके पास ऐसे गिलास अवेलेबल नहीं हो तो आप डिस्पोजल वाले गिलास भी ले सकते हैं। मेरे पास ये गिलास थे तो मैंने आज इसी में बनाया है। इन गिलास को अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे, चारों तरफ अच्छे से ऑयल लगा देंगे और अच्छे से इन्हें ग्रीस कर देंगे। देखिए मैंने सभी गिलास को अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब अपने आम का पल्प गरम गरम ही इसमें डाल देंगे। देखिए मैंने अपने सारे गिलासों में इक्वल भर दिया है। अब इनको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे। 2 घंटे बाद ये देखिए आम का पल्प बिल्कुल अच्छे से जम गया है। इसमें जरा सा हम चाकू लगा से इसे इसकी किनारी पर लगा देंगे, जिससे इसमें एयर भर जाए और ये आसानी से निकल जाए। देखिए मैंने चारों तरफ से चाकू लगा दिया है। अब इसे पलटने पर ही ये आराम से निकल जाएगा। ये देखिए मेरा कितना अच्छे से जेली टाइप निकल के आ गया है। ये एकदम जेली की तरह लग रहा है। अब इन्हें हम पीसेस में काट लेंगे। आप जितने मोटे चाहें पीसेस निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इन पीसेस को ऐसे ही काट लिया। ऐसे ही हम सारे पीसेस को काट लेंगे। अब इन पीसेस को ये मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड नारियल लिया है, इसके ऊपर हम इसे कोट कर देंगे। फ्रेंड्स ये भी ऑप्शनल है, केवल हमारी डिलाइट देखने में अच्छी लगेगी इसलिए मैंने किया है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। और ये लीजिए मेरे कच्चे आम की डिलाइट बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारे पीसेस को कोटेड कर लेंगे। इससे ये देखने में तो अच्छी लगेगी ही, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। और ये देखिए मेरी कितनी अच्छी कच्चे आम की डिलाइट बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारे पीसेस को कोटेड करके रख लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स मेरे कच्चे आम की सारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो आपने देखा कितने कम इंग्रेडिएंट में मैंने कितनी सारी मिठाई बना ली है। साथ ही साथ ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसका खट्टा मीठा टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। साथ ही साथ ये बनाने में भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।